करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। इसलिए हर थाने के कार्यों को दो हिस्सों में हम सब दिन बताते रहे हैं आप सब लोगों को, दो हिस्सों में किया गया है। एक तो केसों का अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन और केस है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में पाटा गया है, विधि व्यवस्था। अब उसी पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। आप एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति या महिला बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। सभी कॉल पटना अतिरिक्त कमान एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होते हैं और आवश्यकता अनुसार पीड़ित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15-20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन घटना स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। इस हेतु अब तक पहले चरण में पुलिस बल के साथ 400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण पटना जिले तथा अन्य सभी जिला मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था कार्यरत। इसके कॉल सेंटर का पूरा संचालन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। काम में महिला पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक लगा है और कितना बढ़िया से महिला इस काम कर रही है ये देखने लायक। आपको कहे गए इन आपको कभी कभी किस तरह से महिला है सब काम कहीं का भी कुछ घटना कुछ भी जानकारी मिलती है आप कितना तेजी से सारा काम करवाती तो देखिए आप जानते ना महिला को पुलिस में कितना करो 35% का आरक्षण करा और उसके चलते देख लीजिए महिलाएं में पुलिस में कैसा कैसा काम अच्छा से कर रही है। ये बड़ी खुशी की बात इसलिए आपको बता रहे हैं। तो और दूसरे चरण में भी इस व्यवस्था को हर तरह से सब काम किया जा रहा। तो आप आप जो काम हो रहा साइबर अपराध हो तथा कंप्यूटर मोबाइल पे फोन एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होने वाले अपराधों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में रेल पुलिस सहित कुल 44 साइबर पुलिस थानों का गठन किया गया। हर चीज के लिए सब काम किया जा रहा है। बिहार में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। सांप्रदायिक घटनाओं में पूरे राज्य में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है और कब्रिस्तानों की घेराबंदी 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। पहले चरण में विभिन्न धर्मों की मिली जुली आबादी वाले क्षेत्रों में 8064 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग सभी काम पूरा हो गया। बाद में 2021 में 1209 और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया जिनकी घेराबंदी का काम चल रहा। इनमें से लगभग 185 का काम पूरा हो गया, 400 निर्माणाधीन है और शेष जितने भी है उनका भी काम पूरा करने का लक्ष्य किया जा रहा। और आप जानते ही है मंदिरों की चार दीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चारवारी चार दीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है किसी तरह की घटना घटी थी तो हम लोगों ने यही कहा कि 60 वर्ष से पुराने जितने जो भी
मकसद है उसमें निबंधित मंदिरों को घेराबंदी की जा रही है। आइए कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा, अब तक 419 मंदिरों को चार दीवारी की जा चुकी है और पिछले एक वर्ष में 124 मंदिरों की चार दीवारी की जा रही है।